तो यही बोटी बोटी कार के इस नहरिया में डलवा देंगे। सरपंच जी डराइएगा, हाथ हाथ हटा, बताऊं तुझसे गुंडा को बुला रहे हैं, हम बुलाएंगे ना। तुम आज रात में सही से घर नहीं रह पाओगे, बोरी में कसवा के फेंकवा देंगे एक आदमी को। पंचायती में गांव में गोली नहीं मारे ना, नहीं होगा। इसका हेकड़ी गांव में निकाल देते हैं, उसके बाद सरपंच जी बहुत हो रहा है, ठीक है ना, इज्जत कर रहे हैं, जाइए इज्जत से यहाँ से, ठीक है। एसपी साहब के पास फोन करके अभी साला पर मुकदमा करवा दे, जाइए ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुजीत पांडे। और दोस्तों, हम लोग गए थे शादी में, मेरे एक फ्रेंड का बहन का शादी था और हम लोग सुबह ही आए हैं घर। तो जो सरपंच जी हैं हमारे घर पे गए थे और उल्टा सीधा बोल के आए हैं मेरे घर वाले को कि कहाँ है वो, उसको भेजो मिलने के लिए, क्या क्या बड़बड़ा के आए हैं। और हम लोग आए हैं, उनका काम चल रहा है यहाँ नरेगा का, यहीं पर बोले थे आने के लिए, और उनका कुछ आदमी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और हम कैमरा अपने साथ में लेते आए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और वो आ रहे हैं, जैसे ही बात करते हैं, देखते हैं किस लिए बुलाए हैं, क्या मकसद है उनका। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिए क्या होता है, हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। A few moments later. क्या बड़बड़ा क्या है, क्या हाल है? पहले समाचार बताओ यार। समाचार बढ़िया है। किस लिए गए थे घर पे आप? अरे घर पे गए थे, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हमारे सपोर्टर हैं। वो तो हैं ही, उनसे हम बोलने गए थे। क्या बोलने गए थे? तुमको क्या मतलब है यार, गांव ही राजनीतिक से तुमको आपको मतलब क्या है? मतलब है बीच में पढ़ने का? अरे समझता नहीं है यार। समझते हैं सारा बात, ठीक है, वो बहन बच्चे नहीं है, वो बहन चोर मेरा 10 साल से। गाली तो पहले आप दीजिए मत, ठीक है ना। गवाही राजनीति से तुम मतलब मत रखो। नहीं नहीं, आप हमारे घर गए क्यों थे? देखो एक मिनट यार, पहले बात सुनो। हम गए थे ऐसे वोट मांगने के उद्देश्य से भी गए थे, और वोट मांगने जाएगा उल्टा सीधा बोल के आइएगा घर पे। उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं कि आप अपने लड़के को थोड़ा बताइए कि हम कैसे आदमी हैं, बताए आपके बारे में कैसे हमारा विरोध कर रहा है सारा गांव। क्या किया है कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो? सारा गांव बोल रहा है आपके बारे में, ठीक है। सारा गांव मेरा साथ खड़ा है। खड़ा नहीं है, वो जानता नहीं है उसको, तुम जानते हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है। और सबसे बड़ी बात ये, गांव ही राजनीतिक में तुमको पढ़ने की कोई जरूरत? राजनीतिक आप कर रहे हैं यहाँ पे, भाई तुम्हारा काम है वोट लेना, राजनीति करना, ठीक है। अब देखो, जिसका हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके परिवार में, उसके पटीदारी में 80 वोट है, ठीक है। और वो जिसका विरोध कर रहे हैं बहन, तो वो 4 वोटे है उसके परिवार में, और वो भी 10 साल से विरोध में है। तो वोट के लिए आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं? वोट के लिए तो हम किसी का गांड में ठोक देंगे। वोट ही हमारा सब कुछ है, वोट ही, वोट ही। पता चल गया आपका आप क्या आदमी हैं, कैसे आदमी हैं, पता चल गया आपका, ठीक है। सब कोई पेट के लिए करता है, सब कोई पेट के लिए करता है। गरीब का हक मार दीजिएगा, उसके पास वही जमीन है, आप उसको दिला रहे हैं। गरीब का हक कहाँ मार रहे हैं? नहीं नहीं, वोट के लिए ना दिला रहे हैं उसका जमीन छीन के आप। उसके पास पेपर भी है? पेपर नहीं है, उसके पास पेपर भी है। देखिए झूठ बात मत बोलिए, झूठ वाली बात। देखो भाई मेरे पास आपका यहाँ पे दबदबा है, तो ये मत समझिए कि आप कुछ भी कर लीजिए। पत्रकार हो, पत्रकारिता करते हो, तुमको इससे क्या मतलब है? बहुत सारा मतलब। तुम अपने गाँव ना कमाओ ना बाहर। आपका, आप यहाँ का सरपंच है ना, प्रधान है यहाँ पे, तो आपका एक फैमिली है, सबको देखना चाहिए। तो आप बड़े लोगों को देख रहे हैं, गरीब को सबको देखते हैं, मार रहे हैं। जो 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 मेरा हक मारेगा उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हक मारेगा? 10 साल से हमारा विरोध कर रहा है, 10 साल से। तो आपको इंदिरा आवास भी दिए हैं, फिर भी भाई चोर मेरा विरोध कर रहा है। तो विरोध करेगा तो आप उसका जमीन हड़प लेंगे? अरे भाई मेरा, हम भी पेट के लिए मरते हैं ना, अगर चुनाव हार जाए हमारा पेट कैसे चलेगा? आप जीत भी नहीं पाइएगा, जितने भी नहीं देंगे हम लोग, ठीक है ना? काम करो ना, काम करो। अभी पता नहीं है कि हम कैसे आदमी हैं, अभी पता नहीं है। पहले भी हम बता दिए थे। अरे आपको भी पता नहीं हम लोग कैसे आदमी हैं, ठीक है, ठीक है। हमको कहने का अर्थ ये है कि क्या उद्देश्य है? उद्देश्य गया भाड़ में, आप हमारे घर पे क्यों गए थे? अगर तुमको जो चाहिए हम उसे करवा देंगे, अगर पैसे उसे भी चाहिए हम उसे करवा देंगे। आप लीजिए अपना, गाड़ी निकलिए, ठीक है। पता चल गया आप कितने पानी में हैं, ठीक है। अरे पेपर घर पे हम नहीं थे सुबह, नहीं तो वहीं पर आपका हम पूरा फुल डोज दे के आते, ठीक है ना। घर पे जाके बड़बड़ा के आए हैं हमारे घर पे, तो सारा हेकड़ी यही निकलवाएंगे। अच्छा, पता नहीं है, में गए थे अभी, प्यार से समझा रहे हैं। क्या हुआ सरपंच साहब? अरे लंगटुआ नहीं है, हाँ हाँ, उसका जमीन का ओरिजिनल कागज है, तुम लोग भी जानते हो। और जिसे लापरवाह हुआ था, बहन चोर अपना विरोधी है, हाँ तो विरोधी है, कितना साल से विरोध कर रहा है। अरे ये लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अरे हमसे क्या दुश्मनी है? अपने परिवार से पूछो कि कितना अच्छा हम वहाँ के हैं। मान जाइए, सरपंच साहब के बारे में आप नहीं जान रहे हैं।
आप लोग मंत्री जी खड़े हो जाते हैं तो क्या हो गया? पैट से के नीचे वो हो जाता है। सही से रहिए नहीं तो पीछे से लगाएंगे, खड़ा कर देंगे। जा बेटा घर जा, ठीक है? ठीक है, शांत रहिए, तू जा घर, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं ना बड़े, जब बात कर रहे हैं तो बीच में आते नहीं है, बीच में मत बोलो, ठीक है ना? सुन यार, पहले बात बोलते हैं, तू बड़े हैं कि छोटे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तुम जानते हो हमारे बीच में क्या बात हो रहा है? आवाज नीचे, ठीक है ना? बात सुनो यार, क्या बुला के लेके आए आदमी को? आदमी को बुला के लेके आए हैं? एक मिनट गया, अरे रगा वाला काम कर रहा है, काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, 30 आदमी काम कर रहे हैं, क्या कीजिएगा? अगर उतर जाए ना तो यही बोटी बोटी कार के इस नहरिया में डलवा देंगे। सरपंच जी डराइएगा, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, समझा ना? तू क्यों बात कर रहा है? हाथ क्या रखा है? बात कर रहा है ना, बात कर रहा है ना, बात कर रहा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। हमसे बात करो, क्या बात करो? अरे भोट थे सर, अरे कोई गलत नहीं, बाहर में गए तुम्हारे, ठीक है? अरे सुना है, तुमसे बात कर रहे हैं, अरे एक मिनट, सरपंच जी लड़ाई करना है, लड़ाई नहीं, लड़ाई करना है, एक मिनट रुक जाओ, सुनिए ना, बोरी में कसवा के फेंकवा देंगे एक आदमी को, पता नहीं अब लड़ाई करने के लिए बुलाए हैं आपे, कितने छोड़े को ना, छोड़ के ना इसी नहर के अंदर डाले हुए हैं। सुनिए ना, पता नहीं है उसका जैसा, ये थोड़ा समझिएगा, लेकिन हम नहीं जानते हैं। अकेला कैफे है, चलिए समझे ना, ठीक है ना? तुम आराम से रहो बेटा, बहुत बोल रहा है, समझा ना? अभी पता नहीं है तुमको, आपको पता नहीं, अच्छे सपोर्टर है हमारे, सुनिए ना, तो वो होंगे, हम नहीं है, इसीलिए हम इतना बर्दाश्त किए हुए हैं, नहीं तो क्या कर लेते हैं? अभी इज्जत से बतिया रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से आप उसका जमीन वापस कीजिए, ठीक है ना? आप जिसके सपोर्ट में है ना, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, जितना आप अब सुन लो, चैलेंज है तुम्हारा, चैलेंज है हमारा, आप चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, आपको जो करना है पंचायती में आ जाओ, पंचायती में जितना औकात है, बात हुआ था भाई, जो जितना औकात है आज पंचायती में देख लेंगे, बात हुआ था ना पंचायती में आने के लिए, कल पंचायती करवा रहे हैं, तो आप क्यों हमारे घर पे गए थे? उसको बोलो हैं पेपर लेके आएंगे, इसका जितना ग्राउंड में होगा, आपको जितना दम है लगा लीजिए, खड़ा कर देंगे बेटा, आवाज कम कर, हाँ दादा इतना मारेंगे ना, तू है कौन है? कौन है? आराम से रह, ठीक है ना? ओए हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है? किसे हाथ लगा रहा है? हाथ किसे लगा रहा है? तो ठीक है, सर फाड़ दूंगा, अरे रोक जाओ, बताऊं तुझसे, समझा ना, हाथ लगा रहा है, क्या करूंगा, जो भी दूंगा तेरा, समझा ना, बहुत बोल रहा है बेटा, तू समझा ना, सरपंच जी ओए गाली नहीं, ठीक है ना? पंचायती में आप गए क्यों थे? हमारे गुंडा बन रहे हैं पंचायती में, जितना फेवरेबल आदमी है अपना, कोई क्या करो, किसी को इकट्ठा करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? लंगतिया की तरफ से जो भी बहन पंचायत के जो भी अगर विरोध में भी है, बैठ को तोड़ दो, एसपी साहब के पास फोन करते हैं। सुनिए ना सरपंच जी, डराइए मत हमें, ठीक है ना? आदमी लगा रहे हैं, गुंडा को बुला रहे हैं, हम बुलाएंगे ना, तुम आज रात में सही से घर नहीं रह पाओगे, पूरा दम लगा लीजिए, सुनिए ना, पूरा दम लगा लीजिए, पूरा दम लगा लो, जितना लगाना है सरपंच जी, ठीक है ना? अभी तक तो वोट के लालच से चुप थे, वोट के लालच, अभी तक वोट के लालच से चुप थे, जितना नहीं देंगे आपके खिलाफ में खड़े होंगे हम, ठीक है? एक वोट नहीं पड़ेगा, सुना तुम्हारे जैसे चिंटू मिंटू के हमें कोई बात करने वाला नहीं है, समझा ना? चला जा, दो बात में लेकर हीरो बन रहे हैं, ला जा हमारे पंचायत में, आ जा, आप जाइए ना, बस कह दिया, करना है कर लीजिए, आ जा मेरे पंचायत, जमीन मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना? कैसी नहीं है, बोल रहा है, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है? तुम्हारे खिलाफ में, तुम्हारे सरपंच है ना, खिलाफ में खड़े होंगे हम, रोक लेगा, और जितना दम लगाना है लगा, रोक लेंगे पंचायत में, हम खड़ा होंगे, ठीक है ना? आप लगाइए पूरा अपना, पूरा दम लगाइए, उस टाइम जब बात था पंचायत का, तो आप मेरे घर पे क्यों गए थे? क्यों जाकर बोल रहे हैं? अरे धमकी, घर पे जाकर धमकी दे रहे हैं? हमने धमकी नहीं दिया है, हमने प्यार से कहा है कि अगर तुम लोगों को पैसा चाहिए, हम इसे पैसा दिलवा, आप पैसा दीजिएगा, आप ही पैसा देखे हैं, आप ही पैसा देखे हैं, तुम्हारा क्या है? क्या है मतलब आपका कुछ है ना? मेरा कुछ नहीं है, तो आपका है ना? पंचायत मेरा, आप है ना प्रधान यहां के मालिक हम, भाई तो तुम लोग आ गए उसके फेवर करने, नहीं नहीं तुम लोग क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? गरीब है, गरीब भाई है,
इंदिरा आवास दे दिया फिर भी मेरा सपोर्ट नहीं किया वो तो एहसान किए हैं एहसान किए हैं एहसान किए हैं क्या इंदिरा आवास से कारण नहीं है एहसान किए हैं उसका हक है उसका नहीं है रोक नहीं सकते हैं रोक नहीं सकते हैं आप देखना चलो कल देखेंगे कल देख लेंगे पंचायत में बुलाओ जितने हो जाए बुलाओ ए बुलाइए ना आप पान खाने के लिए चलेंगे कल जोर करना है कर लीजिएगा जितना दम होगा लगा लीजिएगा ठीक है ना जाइए जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा डरने वाले हैं हम लोग डरने वाले हैं क्या आपसे आप 500 आदमी को खड़ा कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है नरेगा वाला काम जितना हो रहा है उस सबको बोल दो छुट्टी करने के लिए ठीक है कोई काम नहीं होगा कल सुबह सबको बोल दो रहने के लिए ठीक है ठीक खर्चा भी करना वाले पंचायत होगा आइए ना डरा रहे हैं सब में खर्चा करो सबको बोलो जाने के लिए सुनिए ना जहाँ आप एक खर्चा कीजिएगा ना हम तीन खर्चा करेंगे लगाना है दम लगा लीजिए साहब के पास हाँ जाइए ना हाँ हेकड़ी निकलाइए जो करना है कर लीजिए ठीक है डरने वाले नहीं है गाली मत दीजिए ठीक है ना आ जाओ उठा के ले जाएंगे आपको आइए ना हाँ पंचायती में गांव में गोली नहीं मारे ना बता आपको वहीं पे पता चल जाएगा पंचायती में कितना दम है किसमें पता चल जाएगा ठीक है अभी पता नहीं है तुमको पता नहीं है बहुत पता है आपके बारे में सब चीज पता की है आपके बारे में ठीक है ना बाहर कमाता है ढंग से कमाओ ढंग से कमाते हैं ठीक है आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और आपसे ज्यादा इज्जत है ठीक है काम नहीं होगा इसका हेकड़ी गांव में है निकाल देते हैं उसके बाद सरपंच जी बहुत हो रहा है ठीक है ना इज्जत कर रहे हैं जाइए इज्जत से यहाँ से ठीक है आपके पास फोन करके अभी साला पर मुकदमा करवा दे जाइए ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है उसके बीबी से बहन चोरा 20 FIR करवाते हैं ए जाइए जा 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 करा जिसको कराना है कराइए हाँ जाइए ना 1000 का 500 कीजिए ठीक है अरे जेल में सर जाएगा ना बहन चोद अभी अभी भी समय है मेरा एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं आप ठीक है ना बाल बाका नहीं होगा अभी भी समय है ठीक है अरे खाने के लिए परिवार में ढंग से नहीं है सरपंच से चलता है मुकाबला कर सुनिए ना आपसे कहीं ज्यादा है मेरे बाप दादा इतना कमाए हैं कि बैठ के भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा आप अपना सोचिए गरीब का हक पैसा मार के खाते हैं आपके पास नहीं है ठीक है गाड़िया में तेलेंगे ए जाइए ना 20 करोड़ रखिए घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है अभी इस पर बोलो करवाओ चलो खाने जाइए ना जो कराना कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं क्या डरा रहे हैं डरने वाला नहीं है आपसे ठीक है मंत्री से फोन कराइए हाँ जाइए जाइए तुम लोग भी जाओ जो करना है करो धमकी दे रहा है साला चलिए कल पंचायत में जो होगा से देखें जाली चोर भी चढ़ गया सरपंच का ठीक है ना कल नहीं अभी चलते हैं एसपी साहब हम एसपी साहब के पास चलते हैं अभी बात करते हैं ठीक है कितना बड़ा डॉन है उसका डॉन निकालते हैं हम कैमरा बंद कर निकाल कैमरा चल